अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 23 मई 2023 टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की एक तलवार लंदन में बोनम्स इस्लामिक एंड इंडियन आर्ट सेल में 7 गुना ज़्यादा कीमत पर नीलाम होती है और ये तलवार इंडियन और इस्लामिक चीज़ों में नीलाम होने वाली सभी चीज़ों का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना लेती है। दोस्तों, आखिर कैसे ये तलवार टिपू सुल्तान के कमरे से निकल कर लंदन पहुँची और आज 2023 में 143 करोड़ में नीलाम हुई, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, शेर मैसूर के नाम से जाने जाने वाले टीपू सुल्तान को कौन नहीं जानता। टीपू सुल्तान अपने वालिद हैदर अली के इंतकाल के बाद 1782 से 1799 तक मैसूर के सुल्तान रहे। टीपू सुल्तान जब तक जिंदा रहे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 4 बड़ी जंगें लड़ी और इन जंगों की बात इंशाल्लाह हम किसी और डिटेल्ड वीडियो में करेंगे। 4 मई 1799 टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते श्रीरंगपट्टनम में शहीद हो गए। टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद पूरे श्रीरंगपट्टनम को लूट लिया गया और इसी तरह टीपू सुल्तान की भी कई कीमती चीज़ें लूट ली गई और इन्हीं कीमती चीज़ों में एक तलवार वो थी जिसे हम सुखेला के नाम से जानते हैं, जो टीपू सुल्तान के बेड चैम्बर यानी टीपू सुल्तान के कमरे से मिली थी और यही तलवार अंग्रेज़ों के फौज के मेजर जनरल डेविड बेयर को सम्मान के तौर पर दी गई थी और तब से लेकर 2003 तक ये तलवार डेविड बेयर के परिवार के पास ही रही। फिर इसे लंदन में डिक्स नूनन वेब में 1.5 लाख पाउंड में नीलाम कर दिया गया था। 2004 में विजय माल्या ने इस तलवार को अराउंड 1.5 करोड़ रुपीज़ में खरीदा था और तब से 2016 तक ये तलवार विजय माल्या के पास ही रही। 2016 में विजय माल्या ने इस तलवार को ये कहकर वापस कर दिया कि ये उसके लिए बैड लक लेकर आई थी और 23 मई 2023 को बोनम्स इस्लामिक एंड इंडियन सेल में उम्मीद की गई थी कि ये तलवार 1.5 मिलियन पाउंड से लेकर 2 मिलियन पाउंड्स में नीलाम होगी, लेकिन ये तलवार 19 से 7 गुना ज़्यादा 14 मिलियन पाउंड्स यानी 143 करोड़ इंडियन रुपीज़ में नीलाम हुई। इस तलवार को किसने खरीदा अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।